एक जो आम मनुष्य होता है, हमारे जैसे लोग हैं, और एक आपका वर्ग है, बौद्धिक वर्ग, बुद्धिजीवी, तो जब आप अपनी मित्र मंडली से, अपने यार दोस्तों से या बुद्धिजीवियों से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो करुणा का जिक्र उसमें होता है। क्या सोचते हैं आपके साथी, हमारे साहित्यकार, हमारे बुद्धिजीवी, क्या बातें होती हैं आपके सर? देखिए, एक बहुत गंभीर मसले के तौर के ऊपर इसको लिया जाता है। एक ऐसे मसले के तौर पर लिया जाता है जिसने हमारी दुनिया को, हमारे समाज को न केवल बदल दिया है, बल्कि आने वाला समाज भी वो समाज नहीं होगा जो समाज था। मतलब कितनी गंभीर बात है, देखिए कितनी गंभीर बात है कि जी पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया के समाजों को बदलने का काम कोरोना संकट ने कर दिया है। और अब जो हमारे लोगों के बीच में जो रिश्ते थे उनके ऊपर कितना गहराई से इसका असर पड़ा है। लोग जो फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, उसका असर, उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है लोगों के ऊपर, एक दूरी दूरी बनने का प्रभाव भी पड़ता है लोगों के ऊपर, एक तरह से आत्म केंद्रित होने का, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होने का भी बहुत डर लोगों के अंदर पैदा होता है, एक तरह का फियर भी पैदा होता है। ये सारी की सारी चीजें हैं कि जो पैदा होती हैं और जिसकी वजह से साहित्यकार और बुद्धिजीवी समाज बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है। समाजों में जो अपसाइड डाउन हो रहा है, जो मान लीजिए कि कामगार हैं, जो कारीगर हैं, जो मेहनतकश हैं, जो मजदूर हैं, वो जा रहे हैं वापस, क्या होगा शहरों में, किस तरह से काम चलेगा, ये सारी चिंताएं हैं जिन चिंताओं को लेखक और रचनाकार आपस में शेयर करते हैं। वो नीतियों के बारे में भी बात करते हैं, नीतियों के बारे में भी वो डिस्कस करते हैं, वो ये भी बात करते हैं कि जी इसको हम किस रूप में अभिव्यक्त करें, किस रूप में हम इसको एक्सप्रेशन दें, ये भी बातचीत होती है। तो कोरोना ने बातचीत के दायरों को बहुत फैला दिया, बहुत वसी हो गए। अब ये हमारी सच्चाई है बात सर। जो है वो भविष्य को लेकर बहुत अधिक होती है, ये होती है अब क्या होगा, और ये निश्चित रूप से लगता है हमें कि हमने जो दुनिया बनाई थी या बनाई है, जो हमने समाज बनाया था, उसमें हमने इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि कभी ऐसा संकट आ सकता है। अगर हमने इस संभावना पर बिल्कुल विचार किया होता तो हमने बजाय युद्ध करने के, हमने बजाय एटम बम बनाने के, हमने बजाय टैंक और बम्बार जहाज बनाने के, हमने ज्यादा अस्पताल बनाए होते, हमने ज्यादा दवाएं बनाई होती, हमने लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान किया होता, हमने समाज का ध्यान किया होता, तो कोरोना काल हमको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ये बातचीत, ये विमर्श लेखकों के, रचनाकारों के बीच में चल रहा है।